ये फ्लाइट दुबई से रिटर्न हुई है, 4 घंटे हम सिर्फ आसमान में ही थे, ये सुनिएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं दुबई से, नहीं पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान? वेरी बैड। देखें कैसे कैसे लोग हैं, दोबारा आपको आपकी सरजमीन पे लेकर आए फ्री में, नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, ये मंजर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ऑफिस के बाहर। ये हमारी फ़्लाइट दोबारा से रिटर्न हुई है दुबई से ड्यू टू हैवी रेन्स। अब फ्लाइट रीस्केड्यूल की गई है, अल्लाह खैर करे। हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, मैं इसीलिए रियलिटी के तौर पे ये वीडियो पूरा दिखाया हूँ ताकि आप लोग को एक्चुअली समझ में आए। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानियों लोग के साथ नहीं है, क्योंकि नया नियम के मुताबिक ऐसे नहीं फॉलो करने वाले बहुत सारे इंडियन को भी वहाँ से दुबई एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। आई डोंट नो, शायद आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए लाइव वीडियो मैंने दिखाया। तो इस बात का लाजिम ख्याल रख ले, क्योंकि नया रूल के मुताबिक अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको वहाँ से या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या तो फ्लाइट के साथ ही इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। तो ये रूल लाजिम फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। आपको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए अगर ट्रैवल करो तो वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 80% अभी भी, जैसा मैं बताया, 80% अभी भी दुबई जो आते हैं इंडियन वो विजिट वीज़ा पे आते हैं। बहुत सारे कंपनी बुलाती भी है तो विजिट वीज़ा पे बुला के आपको पहले काम चेक करते हैं, फिर आपको वर्क वीज़ा लगाती है। तो ऐसे बहुत लोग, आप लोग भी अगर दुबई में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि लाखों लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। हम खुद अपने आँखों से देख रहा हूँ, यहाँ पे एक अगर 100 वैकेंसी निकलते तो हज़ारों लोग लाइन में चले जाते हैं अपना CV लेकर। ऐसे बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनको आने के लिए रिटर्न टिकट नहीं होता है, उनको खाने के लिए पैसे नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया था, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में शायद सुना होगा, कि अब एयरपोर्ट पर कम से कम 3,000 दिरहम आपको दिखाना पड़ेगा। यानी इंडिया से अगर विजिट वीज़ा पे ट्रैवल करो तो 3,000 दिरहम आपको दिखाना पड़ेगा, और आपको रिटर्न टिकट सेम एयरलाइंस को आपको दिखाना होगा। या आप अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरो, या फिर शारजा एयरपोर्ट पे उतरो, या फिर आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं, हमें तो छोड़ दे। तो बाइलक अगर किसी को छोड़ दिया तो ये रूल नहीं है। रूल जो है वो ये, आपको 3,000 दिरहम दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको होटल बुकिंग, आपके कोई रिलेशन वाला है तो उसका इमरत ID दिखाकर आप चले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये दो चीज़ कंपलसरी है, एक आपके पास 3,000 दिरहम या तो इंडियन मनी लगभग 17,000 रुपये, और सेम एयरलाइंस का रिटर्न टिकट आपको सेम, वो भी डमी टिकट नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम में डाल के चेक कर रहे हैं आपको। जैसा लाइव वीडियो में देखा कि इस कारण से ये लोग को पूरा फ्लाइट के साथ वापस भेज दिया गया है। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो विजिट वीज़ा पे तो इस बात का नया रूल को लाजिम फॉलो करें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो सकता है।